आज हम लोग BCA 105 जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है BCA सेमेस्टर 1 का, उसके अंदर कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा और मेरे सब्जेक्ट पार्टनर है प्रोफेसर योगेंद्र पटेल। हम दोनों फैकल्टीज भोलाभाई पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज BCA, जो कड़ी सर विश्वविद्यालय KSV यूनिवर्सिटी गांधीनगर है, वहाँ से कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आपके सामने दिखता है, CPU जो है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेन प्रोसेसर कहते हैं, उसको खोलेंगे तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स होती है IC। हम लोग कंप्यूटर जनरेशन में देख चुके हैं कि थर्ड जनरेशन के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट अस्तित्व में आई और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट इकट्ठा होके प्रोसेसर बनता है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आजकल आप अपने मोबाइल के प्रोसेसर को भी जानते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के प्रोसेसर जैसे कि i3, i5, i7। और पिक्चर में आप जैसे देख रहे हैं, वैसे सर्किट एकदम जूम करके देखें तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होता है। देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स से बना हुआ होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, हजारों ट्रांजिस्टर्स मिलके एक IC बनती है और बहुत सारे ICs बना मिलके एक प्रोसेसर बनाते हैं या CPU कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये टॉपिक बेनिफिशियरी है, मतलब कि ये टॉपिक किन स्टूडेंट्स के लिए काम का है, BE, BTech, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BCA जो कि आप पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA। इस टॉपिक को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट्स, मतलब कि आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया नथिंग, क्योंकि ये कंप्यूटर फंडामेंटल का मोस्ट बेसिक टॉपिक है, तो आपके पास कोई प्री रिक्विजिट्स की जरूरत नहीं है। ब्लॉक डायग्राम समझने से पहले आपके सामने आपका एक फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। यस फ्रेंड्स, यू आर राइट, दिस इज शिंचैन। कंप्यूटर की शोध जो हुई है वो ह्यूमन की बॉडी और ह्यूमन की बॉडी की प्रोसेस के ऊपर से प्रेरणा लेके ही हुई है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि शिंचैन है, वो डोनेट्स बर्गर खा रहा है और उसके साथ नीचे वो मैंगो जूस पी रहा है। ये प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम में भी इनपुट डिवाइस का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहीं से कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम में डेटा और इंस्ट्रक्शन देने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब हम लोग खाना खा लेते हैं, अपने मुंह से, टंग से, टीथ से चबा के जब हम अपने पेट में डालते हैं, तो उसके अंदर प्रोसेस होता है। यस, तो सेकेंड पार्ट ब्लॉक डायग्राम में है प्रोसेस। जो स्टमक है उसके अंदर प्रोसेसिंग होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हम लोग झूठ नहीं पा रहे और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें भी हो जाती है, और ये प्रोसेस के ऊपर ही आधार रखता है कि आपका आउटपुट क्या आएगा। जैसे कि शिंचैन के ये पोस्टर्स में और ये एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि शिंचैन के अंदर एनर्जी आ चुकी है खाना खाने के बाद, तो वो भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। और जो प्रोसेस प्रॉपर नहीं होती है, इनडाइजेस्टिंग होता है, या हम सब लोग हमारी दैनिक प्रक्रिया में मेक वाटर या पोटी करते हैं सुबह, तो जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो हम लोग सुबह एज अ बाई वेस्ट निकालते हैं। कंप्यूटर के अंदर भी इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, मतलब कि लॉजिकली कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम इनपुट डिवाइस के बाद प्रोसेस और प्रोसेस के बाद आउटपुट डिवाइस से बना हुआ है। यदि हम लोग टेक्निकल ब्लॉक डायग्राम देखें, क्योंकि वो तो एक कॉन्सेप्ट था, अभी टेक्निकल ब्लॉक डायग्राम ले रहे हैं, तो टेक्निकल ब्लॉक डायग्राम में आप आराम से समझ सकते हैं जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस जैसी मोस्ट पॉपुलर डिवाइस आती है। यहां से जो हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो CPU मतलब कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, जो कि आपके डेस्कटॉप में एक कैबिनेट जैसा होता है। यहां से जो डेटा जाता है वो पहले मेमोरी यूनिट में जाता है, और ये मेमोरी यूनिट प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आगे इसका डिटेलिंग आएगा, तो
हम जो डेटा या इंस्ट्रक्शन डालते हैं वो इनपुट डिवाइस से पहले मेमोरी यूनिट में जाता है और मेमोरी यूनिट से ये कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। तो भैया कंट्रोल यूनिट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोसेसर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रोल यूनिट है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट के नाम जैसा काम है, वो डेटा को स्टॉप करता है और कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई एक यूजर ने 3+2 डाला, तो पहले वो 3+2 जो हम लोग कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, यस मेमोरी यूनिट में। फिर मेमोरी यूनिट से ये डेटा कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट उसको चेक करेगा कि आप किस प्रकार के डेटा हो। तो भाई समझ में आया, मैथमेटिकल। तो नीचे जो प्रोसेसर है जिसको हम लोग एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं, जिसको ALU भी कहा जाता है, उसको कंट्रोल यूनिट जब डेटा पास करेगा तब उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि यहाँ गाणितिक प्रक्रिया ही करनी है क्योंकि आपने 3+2 पास किया। अब मान लीजिए कि आपने इनपुट डिवाइस में से इफ A>0 पास किया, तो भी वो पहले जाएगा मेमोरी यूनिट में, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर प्राइमरी मेमोरी में से वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। और कंट्रोल यूनिट है ना, वो जबरदस्त है, वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टॉप करेगा और फिर वो बोलेगा और पूछेगा कि आप किस प्रकार के डेटा हो। अब तो इफ A>0, अब कहीं पे भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, तो ये डेटा कैसा हुआ, लॉजिकल डेटा। सही है, तो लॉजिकल डेटा कहा जाएगा, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, और कंपैरिजन करके आपका आउटपुट तैयार करेगा। यदि आपने 3+2 डाला है तो आपका आउटपुट 5 होगा, और यदि आपने इफ A>0 डाला है और ए की वैल्यू हकीकत में 0 से बड़ी है, तो वो यहाँ पे कंडीशन ट्रू बना के आउटपुट यूनिट को पास करेगा। अब आप देख ही सकते हैं, आउटपुट यूनिट में पहले मैंने ऊपर रखा है ये एनिमेटेड मॉनिटर, ये बहुत प्यारा होता है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जिसके अंदर हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं, जिसको हम लोग स्क्रीन कहते हैं, LCD कहते हैं, LED कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, ये आउटपुट यूनिट है। यहाँ जो पिंक कलर का दिख रहा है, यस इट इज प्रिंटर, जो आपका डेटा मॉनिटर में दिखता है उसको कागज पे लेने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको कहते हैं प्रिंटर। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो है स्पीकर। यदि आप कोई म्यूजिकल डेटा फाइल या आप MP3 फाइल सुन रहे हैं तो ये स्पीकर के द्वारा आपको एज आउटपुट मिलती है। जैसे कि यहाँ CPU में दिखाया गया है कि नीचे से आप देखिए कंप्यूटर की एक कैबिनेट है, और उस कैबिनेट में ये CD ड्राइव बाहर आती है और CD हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फिर नीचे यहाँ पे USB पोर्ट होता है जहाँ पे हम अपनी पेन ड्राइव माउस वगैरह अटैच करते थे। और यहाँ जो आपको दिख रहा है, जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है फ्रेंड्स, वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। फ्लॉपी का यूज अब नहीं हो रहा है, बट जब थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे तब फ्लॉपी का यूज था, तब हार्ड डिस्क अस्तित्व में नहीं आई थी। तो टेक्निकल ब्लॉक डायग्राम से आपने ये जाना कि इनपुट डिवाइस, कैबिनेट जिसको हम लोग CPU कहते हैं, उसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको हम लोग रियल में प्रोसेसर कहते हैं, और आउटपुट डिवाइस तो आपको मालूम ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये समझ में आया, ऐसी चीज है। चलिए, बहुत सारा डेटा हम लोग इनपुट करते हैं जब हम लोग अपने कीबोर्ड से धड़ाधड़ धड़ाधड़ टाइप करते हैं, बहुत सारी चीज माउस से यूज करते हैं, या आप कोई गेम खेलते हो, आजकल पबजी का क्रेज कुछ ज्यादा ही है, तो आप जो भी गेम खेलते हैं, डेटा देते हैं, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको हम लोग इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑलवेज अनमैनेज डेटा, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है, मशीन को कैसे मालूम होगा कि आपको A, B, C, D, या मैंने मेरा नाम लिखा अभिजीत तो आई प्रेस ABHIJEET, जब मैं ये कैरेक्टर प्रेस करता हूँ तो वो बाइनरी होके जब CPU में जाएंगे, तब वो प्राइमरी मेमोरी से जब कंट्रोल यूनिट में आएंगे। यस, अब मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगा, कंट्रोल यूनिट का काम बेटा ट्रैफिक पुलिस जैसा है। बहुत सारे व्हीकल इकट्ठे होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आके उसको कैसे मैनेज कर लेते हैं, यदि ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता तो सब व्हीकल इकट्ठे हो जाते और हमारा और टाइम बिगड़ता। ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिग्नल्स ऑलवेज मैनेज द व्हीकल, वैसे ही कंट्रोल यूनिट एंड ALU मतलब के प्रोसेस, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के प्रोसेस
वो मैनेज करते हैं आपके बहुत सारे इनपुट डेटा, जैसे यहाँ पे व्हीकल ज्यादा है, यहाँ पे व्हीकल ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल यूनिट है। आगे हम देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट में कौन कौन सी डिवाइसेस है। कंट्रोल यूनिट के बाद जो डेटा जा रहा है वो डिस्प्ले में जा रहा है या आउटपुट में जा रहा है। आप देखिए बहुत सारे व्हीकल है बट वो मैनेज होके जा रहे हैं, किसके कारण? कंट्रोल यूनिट के कारण। किसके कारण? डेटा प्रोसेस होके एएलयू के बाद आउटपुट यूनिट में जाता है, वो मैनेजेबल डेटा है। तो आई थिंक ब्लॉक डायग्राम में अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, और उसमें भी प्रोसेस के अंदर कंट्रोल यूनिट का काम और एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का काम। तो आगे देखें, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम के अंदर मेन पांच प्रोसेस ही है। इनपुटिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन पास बाय द यूजर वाया इनपुट डिवाइस टू प्राइमरी मेमोरी। जैसे आगे हमने देखा था कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन आता है वो पहले कहाँ जाता है? मेमोरी में, और मेमोरी में प्राइमरी में, प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाएगा? रैम और रोम। तो हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड या माउस से या पबजी खेल रहे तो जो हम लोग उसको थंब से गाइड करते हैं या मूव करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, वो पहले हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन है वो रैम में जाती है। फिर है स्टोरिंग, इट कैन स्टोर रो डेटा एज वेल एज आउटपुट डेटा। इट कैन मेनली टू टाइप्स, नंबर वन प्राइमरी मेमोरी जिसको रैम और रोम कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, पहले फ्लॉपी थी बाद में सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, और आज तो आप यूएसबी पेन ड्राइव यूज करते हैं। तो डेटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी भी होती है, सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। दोनों के उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, प्राइमरी मेमोरी रैम रोम और सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क और यूएसबी। ओके, अभी अभी हमने जो ट्रैफिक पुलिस का पुलिस साहब देखे ना, उसकी बात करने का टाइम आ चुका है। कंट्रोलिंग यूनिट, तो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल यूनिट करता है। मेन पार्ट ऑफ सीपीयू दैट मैनेज एंड कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इट कैन क्लासिफाई द डेटा एंड देन पास टू द प्रोसेसर एंड एएलयू एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट फॉर द प्रोसेस। मतलब कि कंट्रोल यूनिट है वो आपके इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, प्रोसेसर के अंदर भी कंट्रोलिंग रखता है, आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, और जब हम लोग हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं तब कंट्रोल यूनिट उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब कि आपका प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब कि एएलयू एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट जनरेट द आंसर एंड सेंड टू द प्राइमरी मेमोरी फॉर डिस्प्ले एज आउटपुट। इट कैन प्रोसेस ऑन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डेटा लाइक एरिथमेटिक, लॉजिकल, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एनिमेशन, फोटोशॉप। आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो उसके ऊपर प्रोसेस करने का काम जिसका है उसको कहा जाता है प्रोसेसर, और प्रोसेसर को टेक्निकल भाषा में एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि ये गाणितिक प्रक्रिया भी करता है, लॉजिकल प्रक्रिया भी करता है, डिजाइनिंग भी करता है, क्रिएटिविटी भी करता है। तो चौथी प्रक्रिया हुई प्रोसेसिंग। लास्ट प्रक्रिया ब्लॉक डायग्राम की, और वो है आउटपुटिंग। आपके पास जो आंसर आता है वो जहां से आप देखते हैं उसको कहते हैं आउटपुट यूनिट, और वो आउटपुट यूनिट की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है आउटपुटिंग। द आंसर प्रिपेयर बाय द प्रोसेसर इट डिस्प्ले टू द एंड यूजर इज कॉल्ड आउटपुटिंग। तो आपने समझा कि आउटपुटिंग है वो क्या करता है? आउटपुटिंग आपको आंसर दिखाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पांच प्रक्रिया हमने देखी, इनपुटिंग डेटा इनपुट करने की प्रक्रिया, स्टोरिंग प्राइमरी लेवल पे डेटा स्टोर करना, और सेकेंडरी लेवल मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क में, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम, जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको क्लासीफाई करके प्रोसेसर को देना, दिस इज कंट्रोलिंग यूनिट। प्रोसेसिंग रियल प्रोसेस, गाणितिक प्रक्रिया हो तो उसका आंसर प्रिपेयर करना, यदि लॉजिकल प्रक्रिया हो तो उसका आंसर प्रिपेयर करना, यदि आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, एनिमेशन में काम कर रहे हैं, कुछ भी साउंड के रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रोसेसर है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आउटपुटिंग मतलब कि आपके डेटा का आउटपुट लेना। प्रोसेस फ्लो चार्ट जो मैंने आगे समझाया उसको यहाँ पे मैंने तीन प्रकार के
फ्लो से समझाया है फ्रेंड्स, ब्लू कलर की लाइन है वो डेटा लाइन है, ग्रीन कलर की लाइन है वो इंस्ट्रक्शन लाइन है, और कंट्रोल यूनिट यहाँ पे मैंने देखा है मेरा कर्सर जहाँ घूम रहा है, देखिए फ्रेंड्स आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोल यूनिट का काम ट्रैफिक सिग्नल जैसा, रेड स्टॉप, येलो प्रिपेयर रहो, ग्रीन जा सकते हो। तो चलो हम लोग समझते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे मैनेज होता है, जब हम लोग कुछ काम करते हैं कीबोर्ड से और हमारे आउटपुट तक डेटा आता है तो अंदर कैसे प्रक्रिया होती होगी, इस सवाल का जवाब आपको इस एनिमेशन में मिलेगा। जब हम लोग कीबोर्ड से 3+2 या 5+10 डालते हैं तो ये हमारे लिए क्या हुआ, डेटा, कंप्यूटर के लिए क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन। इसलिए देखो ब्लू कलर में 5+10 इनपुट डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी में गया, उसको इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, इसलिए ये ग्रीन लाइन गई। प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, रैम एंड रोम। यहाँ डेटा जो आया वो 0 और 1 में होके आया है, ये डेटा किसके पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास। देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का एक सर्कल ऊपर गया और कंट्रोल यूनिट ने उसको बोला, भाई रुक जा, तुम किस प्रकार के डेटा आए, वो मुझे आपको देखना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। तो उसको जवाब मिला अरिथमेटिक का, तो 5+10 चेक किया कंट्रोल यूनिट ने, और उसके बाद उसने सीपीयू के अंदर ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को पास किया। 5+10 को जब पास किया गया तो उसमें प्लस की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे देखो मेरा कर्सर घूम रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन एज वेल एज लॉजिकल सभी प्रक्रिया ये करता है। इसलिए 5+10 करने के बाद इसने जो जवाब तैयार किया, 5+10 कितना होता है, यस 15, ये 15 कहा गया अगेन प्राइमरी मेमोरी में। देखो मेरा फ्लो प्रॉपरली दिख रहा है कि यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है, प्राइमरी मेमोरी में जब डेटा चला गया तो फिर वो 10 कहाँ जाएगा, आउटपुट में। देखो आप मेरा जो ब्लू कलर का सर्कल जा रहा है जिसको मैं डेटा कहता हूँ वो प्राइमरी मेमोरी से आउटपुट में जा रहा है। जब हम आउटपुट में 10 देखते हैं तब हम क्लैप करते हैं कि 5+10=15 ही होता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे होती है। अब मान लीजिए कि मैंने मेरे सन के लिए मेरा बायोडेटा बनाया या मेरे सन का बायोडेटा बनाया, युगवीर का बायोडेटा टाइप किया, टाइप करने के बाद वो बायोडेटा दिख रहा है MS वर्ड में। अब मुझे उसको स्टोर करना है, हार्ड डिस्क में सेव करना है, युगवीर सिंह जाडेजा का बायोडेटा सेव करना है। तो जब मैं फाइल सेव कमांड दूंगा तब ये रही नीचे सेकेंडरी मेमोरी, यस सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, CD, DVD, आपका पेन ड्राइव, यहाँ डेटा जाएगा। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ब्लू को कहेंगे डेटा और ग्रीन को कहेंगे इंस्ट्रक्शन। ये आपका डेटा इंस्ट्रक्शन के स्वरूप में आपने जब फाइल सेव किया तब वो सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में सेव हुआ। अब लास्ट टॉपिक और लास्ट चीज इस एनिमेशन के लिए, कंट्रोल यूनिट ने भैया सब पे कंट्रोल करके रखा है। देखिए ये पर्पल कलर की लाइन इनपुट डिवाइस के ऊपर भी है, ये कंट्रोल यूनिट के अंदर जो पर्पल लाइन है वो प्राइमरी मेमोरी मतलब जहां हमारा टेम्पररी डेटा एज वेल एज आंसर जाता है उसके ऊपर भी है। ये कंट्रोल यूनिट की जो पर्पल लाइन है जामली लाइन वो आउटपुट यूनिट के ऊपर भी कंट्रोल कर रहा है, और बहुत बढ़िया लास्ट में कंट्रोल यूनिट ने ये देखो लास्ट वाली लाइन सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के ऊपर भी कंट्रोल कर रहा है। तो है ना बहुत आसान, सीपीयू में किस तरह से काम होता होगा, इस प्रश्न का जवाब हमको इस एनिमेटेड डायग्राम से अच्छी तरह से मिल गया। अब आप समझ सकते हैं इनपुटिंग, यस फिर क्या था, कंट्रोलिंग, यस फिर सॉरी इनपुटिंग के बाद स्टोरिंग, स्टोरिंग के बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद आपके पास था प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद कहाँ था, आउटपुट। तो 1, 2, 3, 4, 5, और जब स्टोरिंग की बात आती है तो ऑलवेज याद रखो जो डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी, और जिसको आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हो, नहीं भाई ये बार डेटा की तो मुझे जरूरत पड़ेगी, तो जब आप फाइल सेव कमांड देते हो तब वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ओके
आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है, क्योंकि ये सीपीयू की मेन प्रोसेस है और इसको समझना बहुत जरूरी है, जो कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना चाहते हैं उनके लिए, अच्छे बच्चों के लिए, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट लाइन में इस वीडियो के अंदर कर सकते हैं। अब तो आपके लिए बहुत मजेदार चीज आई, इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में मोस्ट जनरल जो है वो कीबोर्ड और माउस। ऊपर देख सकते हैं, ये मेरा कीबोर्ड है, ये माउस है। इनपुट डिवाइस कहते हैं किसको हम? डेफिनेशन, स्पेसिफिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर एंड पास टू द प्राइमरी मेमोरी ऑफ सीपीयू इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। बहुत आसान है, ऐसा डिवाइस जो क्या एक्सेप्ट करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन, किसके पास से? यूजर के पास से। फिर उसका क्या करता है? वो पास कर देता है किसको? सीपीयू को। और सीपीयू में कहा? प्राइमरी मेमोरी में। देखो आप फिर से, यहां हम बैठे हैं कीबोर्ड माउस से या पबजी वाला मोबाइल लेके, जो हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पहले कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी में। तो आपके लिए डेफिनेशन तो बहुत ईजी होगी, तो क्या है? मैं डिवाइस हूं, क्या करता है? एक्सेप्ट करता हूं। किसको एक्सेप्ट करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को। भाई किसके पास से एक्सेप्ट करते हो? यूजर के पास से एक्सेप्ट करते। फिर आप उसको क्या करते हो? पास करते हैं। किसको पास करते हो? प्राइमरी मेमोरी को। भाई प्राइमरी मेमोरी होती कहाँ है? और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू में होती है। तो इस डिवाइस को क्या कहा जाएगा? इनपुट डिवाइस। मोस्ट जनरल एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। काम इनपुट डेटा करना, और इनपुट में किस प्रकार का डेटा? ए टू जेड, 0 to 9, सिंबल, स्पेशल की ऑपरेशंस जैसे कि कंट्रोल की, शिफ्ट की, अल्टर की, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट की। और यही सब की के द्वारा तो आप, जब अभी मोबाइल नहीं था तब पहले गेम इसी के द्वारा तो खेली जाती थी। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या काम करता है? चीजों को सिलेक्ट करना और गेमिंग पर्पस के लिए। स्कैनर, स्कैनर ये रहा, देखो नीचे ये खुलता है बंद होता है, और ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट को या पेपर को सॉफ्ट कॉपी में। जॉयस्टिक ये रही, जब हम लोग टीवी में या मॉनिटर में गेम खेलते हैं तो 360 डिग्री रोटेट करने के लिए जो स्टिक जैसी चीज होती है उसको कहा जाता है जॉयस्टिक। सीडी रोम ड्राइव, जहाँ पे सीडी रख के हम लोग मूवी, हम अपने घर में बड़े भाई बहन या कजिन की शादी का सीडी या डीवीडी देखते हैं तो उसके लिए सीडी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव होता है। महाभयंकर यूनिट सीपीयू या प्रोसेसिंग डिवाइस, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर वेयर रो डेटा एक्सेप्ट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, मेक प्रोसेस एंड कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन विद स्टैंडर्ड प्रोसेस कंट्रोल इज कॉल्ड सीपीयू। तो जो डेटा को, रो डेटा को एक्सेप्ट करे कहां से? इनपुट डिवाइस से। उस पे क्या करे? प्रोसेस करे। प्रोसेस करने के बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इंफॉर्मेशन में। और जब वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए तो उसके ऊपर कंट्रोल करके, कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल करके आंसर प्रिपेयर करे, उसको कहते हैं सीपीयू। मोस्ट जनरल एग्जांपल, आपके मन में कब से ये है ना कि कंट्रोल यूनिट में कौन कौन सी डिवाइस आती होगी, क्योंकि एएलयू मतलब प्रोसेसर तो समझ में आता है। तो कंट्रोल यूनिट आपके सामने उपस्थित है। इट कंट्रोल ऑल मेजर पार्ट लाइक इनपुट मेमोरी आउटपुट यूनिट। इट हैज कलेक्शन ऑफ डिवाइस लाइक रैम रोम कैच मेमोरी वर्चुअल मेमोरी एटेक्स्ट्रा। यहाँ जो देख रहे हो रैम, यहाँ पे देख रहे हो जिसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी रोम कहते हैं, उसके बाद कैच मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है। ये सब एग्जाम्पल है कंट्रोल यूनिट के। यस फ्रेंड्स, ये सब डिवाइसेस मदरबोर्ड पे अवेलेबल होती है, इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसमें से डेटा पास होके कहाँ जाता है? ये रहा प्रोसेसर। यस, ये प्रोसेसर है जिसको मैंने नाम, जो पिक्चर रखा है वो इंटेल i7 7th जनरेशन है, जिसको हम ALU भी कहते हैं, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इट नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म एरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। एग्जाम्पल i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर। इजी। स्टोरेज डिवाइस, हम डेटा जहां स्टोर करते हैं उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। व्हेन एनी टाइप ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इज पास
by the user via input device, it always store into the temporary memory. When user want to save it permanently, it transfer to the secondary memory. This type of device called storage device. जब हम लोग रो डेटा डालते हैं तो भी वो रैम में स्टोर होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और जब हम इस डेटा को परमानेंट सेव करना चाहते हैं, तब जहां वो स्टोर होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं स्टोरेज डिवाइस। मोस्ट जनरल एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी में रैम, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, दैट कैन यूज टू स्टोर टेम्पररी डेटा, सो इट कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इफ पावर ऑफ डेटा इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी विल बी डिलीट, सो इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। मतलब कि जो मेमोरी वोल्टेज पे डिपेंड हो, यदि आप कुछ काम कर रहे हो और पावर कट हो जाए, लाइट चली जाए, तो उसमें रहा डेटा डिलीट हो जाता, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, ये रहा हार्ड डिस्क, ये है रैम जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये मेरा हार्ड डिस्क है जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, और आपका फेवरेट एवेंजर के अंदर यस आयरन मैन, ये पेन ड्राइव है, ये फ्लॉपी ड्राइव है। इट स्टोर डेटा परमानेंटली, सो वेन एवर वी एक्सेस इट कैन बी पॉसिबल, इट इज अवेलेबल। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, पोर्टेबल हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, बट नॉट अवेलेबल नाउ। आजकल फ्लॉपी डिस्क नहीं चलती है, वो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में थी। तो आपने समझा स्टोरेज डिवाइस, डेटा कहाँ स्टोर होता है, किस प्रकार से स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी वोल्टेज पे आधारित है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है, वो वोल्टेज पे आधारित नहीं है। यदि मेमोरी ले तो मेमोरी का साइज जानना जरूरी है, ये फ्यूचर में भी आपके लिए काम आ सकता है। ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स और यूज बाइनरी सिस्टम 0 and 1, मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन आती है, मैंने पहले ही बोला 0 1 में आता है, आप जिसको ए समझते हो, बट कंप्यूटर में तो वो 0 और 1 के स्वरूप में जाता है। ईच कैरेक्टर और नंबर रिप्रेजेंट बाय 8-bit code, बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बिट्स का मतलब है बाइनरी डिजिट्स। सो आप अल्फाबेट प्रेस करें या नंबर प्रेस करें, वो 8-bit को रिप्रेजेंट करता है। अ सेट ऑफ 8-bit कॉल 1 byte, यदि 8 bits का कलेक्शन हो गया तो उसको 1 byte कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है 1 byte इक्वल टू 8 bits, और यहाँ पे भी लिखा है 1 character occupy 1 byte, मतलब कि आपने कोई भी A to Z character प्रेस किया तो वो 1 byte जगह रोकता है। A number digit occupy 2 bytes, this byte occupy in memory, मतलब कि आप यदि 0 to 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई यदि कुछ ऐसा काम न्यूमेरिकल लेवल का करता है तो वो 2 byte रोकता है। द साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी रैम स्पेसिफाई इन MB megabyte एंड nowadays इट इज इन GB gigabyte। आजकल आपके पास जो मोबाइल है उसमें भी आप देखते हो, आप 2 GB का, 2 GB रैम का मोबाइल, 4 GB रैम का मोबाइल, जितना रैम ज्यादा उतना महंगा मोबाइल, क्योंकि रैम है कंट्रोल यूनिट एज वेल एज प्राइमरी डेटा को स्टोर करने वाला। तो पहले MB में होता था रैम का साइज, आजकल GB में होता है। द मेजरमेंट ऑफ मेमोरी साइज इज 1 byte equal to 8 bits, सबसे छोटा यूनिट बाइनरी डिजिट्स माना जाता है। 8 bits मिलके 1 byte बनता है, 1024 bytes मिलके 1 kilobyte बनता है, 1024 kilobyte मिला के 1 megabyte बनता है, 1024 megabyte बन के 1 gigabyte बनता है, और 1024 gigabyte मिलके 1 terabyte बनता है। आजकल के लैपटॉप में 1 TB का हार्ड डिस्क, 2 TB का हार्ड डिस्क कॉमन है, तो ये टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट मिलके 1 PB, ये पेटाबाइट है। नावाडेज सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल इन GB और TB फॉर्म ओनली। पहले मेगाबाइट हुआ करता था, अब तो 500 GB, 800 GB, 250 GB, और जो लैपटॉप होता है उसमें 1 TB, 2 TB होता है। आउटपुट डिवाइस, द स्पेसिफिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट प्रोसेस डेटा फ्रॉम CPU एंड डिस्प्ले टू द यूजर और वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जो प्रोसेसर ने डेटा तैयार किया है वो उसके पास से स्पेसिफिक डिवाइस, वो जो एक्सेप्ट करता है प्रोसेस डेटा, और वो दिखाता है किसको,
सीपीयू के अंदर, और वो कौन देखते हैं? हम लोग, यानी कि यूजर और पूरी दुनिया, उसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मोस्ट जनरल एग्जांपल आर मॉनिटर, मॉनिटर को टेलीविजन टीवी भी कहते हैं और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इट शोज वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट लाइक टेक्स्ट भी दिखाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मॉनिटर में मेरा एनिमेशन कैसे हाई बोल रहा है, देखिए आपको इमेज वीडियो एनिमेशन। इट हैज टू टाइप, मॉनिटर के दो टाइप होते हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी जो आजकल टीवी आते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी कहते हैं। अब आते हैं प्रिंटर पे, और देखो आप प्रिंटर, जब हम लोग प्रिंटर की बटन की स्विच दबाते हैं तब पेपर में कैसा पूरा प्रिंट आउट निकला। इट कन्वर्ट एनी सॉफ्ट कॉपी डेटा इनटू द हार्ड कॉपी ऑन पेपर। प्रिंटर हैज थ्री टाइप्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। और फ्रेंड्स आजकल तो 3D प्रिंटर्स भी आ चुके हैं जिसमें प्लास्टिक के किचन्स वगैरह बनते हैं, कोई कैरेक्टर्स के प्रिंटर्स बनते हैं, एफिल टावर बनाते हैं, जिसको कहा जाता है 3D प्रिंटर्स। आगे बढ़ते हैं। यस, ब्लॉक डायग्राम की सभी प्रोसेस और सभी डिवाइस ओवर। इट इज अ टाइम फॉर असाइनमेंट। ये आपका 1.3 असाइनमेंट है जिसको मैं नाम देता हूँ सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट या सेल्फ लर्निंग असेसमेंट। एब्रीवेशन VDU, CU, MU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, रैम, रोम, प्रोम, IC, LCD, LED, बिट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, GB, TB, PB, ये सब के फुल फॉर्म आपको लिखने। डिस्कस मेन ऑपरेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, पांच जो मेन प्रोसेस है वो। इनपुट डिवाइस क्या है? गिव द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इन द ब्लॉक डायग्राम। व्हाट इज प्रोसेस डिवाइस? गिव द डिवाइस नेम ऑफ कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस? मतलब कि डेटा कहाँ स्टोर होता है। गिव द डिवाइस एग्जांपल एंड प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं और समझाया इसी वीडियो में। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? गिव कमा कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस डिवाइसेस। आपको मालूम है जो हमने डिस्कस किया मॉनिटर और प्रिंटर। व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ कंट्रोल यूनिट इन कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम? भैया ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो कंट्रोल यूनिट में कौन कौन से यूनिट आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती है और उसका काम। लास्ट क्वेश्चन में आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, इंटरनेट का रेफरेंस लेके आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरह से लिखना है। फ्रेंड्स, हाउ कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम वर्क, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन योर वर्ड्स विथ डायग्राम इन डिटेल्स। आपको अपनी भाषा में जो मैंने समझाया है उसको अपनी भाषा में लिख के कंप्यूटर के अंदर कैसे काम होता होगा वो आपको लिखना है। फाइनली थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। आई थिंक यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो। If you like this video, give your feedback in a comment. If you have any questions and queries, please write down your questions and queries in a comment. I will definitely reply. In previous all videos, I always reply to my students' questions. Please, please, please share this video in your WhatsApp and Facebook. If your friends are studying in diploma, engineering, BE, PGDCA, BCA, BSCIT, this video will be definitely helpful for them. और last में मेरी channel subscribe करना ना भूले, ताकि digital electronics में मैं कोई भी video चढ़ाऊँ आपको notification मिले, और notification पाने के लिए आपको bell icon दबाना होगा। So subscribe my channel, press bell icon, so आपको मेरी हर एक videos के notification मिले। Once again thank you so much to watch this video. Me, myself, Dr. Abhijit Singh Jadeja and Professor Yogendra Patel, we both are thankful to support from you guys that you are watching my videos, watching our videos. This will be helpful in this pandemic situation for distance learning. I think it will be very nice option for you guys. Once again, please like karna na bhule. Aapke question hai to comment mein likhe. Aapki appreciations ya aapke feedback bhi comment mein likhe. अपना वीडियो शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप के अंदर, आपके ग्रुप में, आपके फेसबुक में, आपके सोशल मीडिया में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच।